भारतीय सेना द्वारा जिला अनंतनाग के कापरन डोरू में आयोजित की गई क्रिकेट टूर्नामेंट का आज समापन हुआ। भारतीय सेना की 19 RR द्वारा 15 से 18 नवंबर तक आयोजित की गई इस कापरन मेंस क्रिकेट टूर्नामेंट में इलाके की 8 टीमों ने भाग लिया। आज हुए क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल मैच में रीन चोंगुन क्रिकेट टीम और कापरन क्रिकेट क्लब के बीच मुख्य मुकाबला हुआ, जिसमें रीन चोंगुन क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने बढ़िया खेल का प्रदर्शन करते हुए कापरन मेंस क्रिकेट टूर्नामेंट की ट्रॉफी पर अपना कब्जा कर लिया। इस अवसर पर 19 RR के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल मनप्रीत सिंह ने इस टूर्नामेंट में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को सम्मानित किया। अनंतनाग से न्यूज जम्मू के लिए बिलाल बेरे की रिपोर्ट। उन्होंने एक अच्छा इनिशिएटिव लिया कि यूथ जो हमारा आज ड्रग में इन्वॉल्व हो रहा है, कोई गलत काम के लिए इन्वॉल्व हो रहा है, तो आर्मी की तरफ से एक बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया। आज आपको पता है कि 8 टीमों ने इसमें हिस्सा लिया था इस मैच में, तो आज फाइनल था और चोगुंड की टीम ने जीत हासिल की है। मैं आपके माध्यम से चोगुंड की पूरी टीम को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। सेकंड नंबर पे हमारा सोन का टीम रहा, उनको भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ। टैलेंट की जहाँ तक बात है, हमारे शाबाद वाला के यूथ जो है, इनमें एक बहुत ही अच्छा टैलेंट है, बट इनको थोड़ा सपोर्ट करने की ज़रूरत है और मुझे लगता है कि इसी शाबाद वाला से कोई टीम निकल के पूरे देश का नाम रोशन कर सकता है। एक बार फिर आपके माध्यम से 19 RR का मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ एज ए GDC मेंबर। जितना हम खेलेंगे तो जो बाकी जो चीज़ें हैं, ड्रग्स हैं वगैरह हैं, वहाँ तो उससे हम महफूज रह सकते हैं। तो ये तो हम शुक्रिया करते हैं 19 RR की कैप्टेंसी, तो हम शुक्रगुजार हैं उनके जो उन्होंने इनिशिएटिव ले लिया कि एक बांड बन जाए बच्चों और आर्मी वगैरह के दरमियान में। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज अद्वियात नशीली चीज़ें हैं, उसे दूर रह जाएंगे यूथ में।